your favorite part of the script, MERA? There are plenty of beautiful portions that there is, but in the second half, when he tells his own story to Nina Gupta's character called Hema Roy, it's a visit to America to meet his son. He and his wife go and meet his son, and what happens to them over here, there's a huge long soliloquy. I think that is a very beautiful moment. Unfortunately, I can't reveal, but also the awkwardness which creates laughter, because शादी होने वाली थी, इतनी मोहब्बत थी उनमें कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे. तो अभी वो शादी हो गई है, अभी वो जब भी नज़दीक आके बैठती है तो कहती यहाँ मत बैठो, दूर बैठो, यहाँ मोहल्ले वाले मुझे देख रहे हैं. तो कहती तब तो जब तुम चांदनी चौक के पीछे गलियों मिलते थे तो चिपक चिपक के बैठते, तब मोहल्ले वाले नहीं देखते थे. फिर एक और उसका सीक्वेंस है जहाँ पर वो, अब यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ तो जेल में भेज देंगे, बट शिमला में या छोटे शहरों में यूजुअली हनीमून कपल्स के आमतौर पर हम लोग जो लड़के जो शरारती होते थे वो रोशन दान से अंदर देखते थे और कमेंट्री देते थे बाकी दोस्तों को. तो आप लोगों ने सबने किया होगा, वो 100% किया होगा. तो वो पोर्शन बहुत अच्छा है. द एंड इज़ ब्यूटिफुल. बहुत अच्छी एक लाइन है कि याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुखी देता है. याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुख ही देता है. सो आई थिंक देर आर सम अमेजिंग पोर्शंस. एज आई सेड दैट दिस इज अ जक्स्टापोजिशन, एज आई सेड दैट दिस इज अ जक्स्टापोजिशन ऑफ सिनेमा एंड थिएटर टुगेदर. दिस इज द फर्स्ट टाइम विच इज डन ऑन इन थिएटर इन इंडिया. सो यू विल बी एट द सेम टाइम वॉचिंग अ प्ले एंड विद इन द प्ले यू विल वॉच अ फिल्म. So that's those are the beautiful moments of Neena ka ek bahut acha dialogue hai ki shuruaat mein ant mein hum ek jaise hi hote hain. That means at the time of birth and at the time of death hum sab ek jaise hi hote hain. Ye beech mein kahin hamare dimag kharab ho jate hain. To wo bahut achi khoobsurat hai. Rakesh Bedi ne bahut acha likha hai. Yes. Next. I had an opportunity to meet you at the IFA Awards where you had screened your movie that you had directed. Yes. And very fine actor. We're so proud of you living in America. You represent Bollywood and fine acting in Bollywood. Thank you. My question to you is about this play. What was the most challenging part about doing this play? You've done so much acting before. Was there anything particularly that was challenging that you had to overcome? You see, every time I do something new, especially in theatre, I have to get rid of the burden of being Anupam Kher. I have to start from scratch. Why do people remember Saransh? Because at that time, Saransh was a nobody, that actor was a nobody. And in the last so many years, I have unfortunately become, or fortunately become Anupam Kher, jiski aapne tareef mein bahut sari baatein boli. Thank you so much. वो बर्डन उतारना और एक नए सिरे से प्रीतम चोपड़ा बनना, वो बहुत मुश्किल काम होता है. बिकॉज अनुपम खेर इज़ दिस पर्सन हु फ्लाइज फ्रॉम वैनकूवर टू दिस प्लेस एंड देन पीपल से हेलो एंड एट्सेट्रा. आई लव इट. आई लव बीइंग फोटोग्राफ्ड. आई लव बीइंग टेकन ऑटोग्राफ. आई लव बीइंग अ सेलिब्रिटी. बट व्हेन आई एम डूइंग ए प्ले आई वॉन्टेड टू बी दिस ऑर्डिनरी मैन इन लोधी गार्डन हु वेयर्स कुर्ता स्वेटर. वो उसको टोन डाउन करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है. सो दैट इज़ अ बिग बर्डन. यू नो पीपल आफ्टर 10 मिनट्स शुड फॉरगेट दैट दिस इज़ अनुपम खेर. दे शुड स्टार्ट बिलीविंग दैट दिस इज़ प्रीतम चोपड़ा. दैट्स द कैरेक्टर्स नेम इन द प्ले. सो दैट एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंटरनल. एक्टिंग तो मैं जैसे तैसे मुझे पता मैं कर लूँगा, बट टू बिकम दैट पर्सन and for Neena to become Hema Roy and later on to become Nigar is very important. Wo Nigar ka portion bhi wahi karti hain jo meri dusri jab bhi banti hai jisse meri shaadi hui. And she is a very innocent, simple
उसको मैं बोलता हूँ कि हमारा बेटा पढ़ी लिखी नहीं है, वो निगार जो है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि हमारा बेटा, पर उदास मत हो, हमारा बेटा अमेरिका पढ़ने ही तो जा रहा है। तो वो कहती है कि कहाँ जा रहा है गए? तो मैं कहता हूँ टैक्सेस जा रहा है। कहती हाय अल्लाह, इतनी दूर टैक्सी से जा रहा है? तो देर इज समथिंग विच इज थिएटर, इवन दो यू नीड टू, इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू डू एनी एक्टिंग, बट आई मेक माई जॉब वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज देन ओनली आई विल बी री इन्वेंटिंग माई सेल्फ। I like to be as much as I can do to bring in that freshness. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा हो गया जी। बहरहाल आपको खुशामदीद पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से जी 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 जी। और आपके ड्रामे जितने भी होते हैं उनमें मजाक के अलावा एक मैसेज होता है जी जी। इस ड्रामे में आप क्या मैसेज दे रहे हैं? बहुत मैसेजेस हैं इस ड्रामे में। जो सबसे पहला मैसेज है वो मोहब्बत का मैसेज है, कि मोहब्बत से बड़ी ज़्यादा इमोशन कोई किसी चीज़ में नहीं है, चाहे वो मुल्कों में हो, चाहे वो दो दोस्तों में हो, चाहे वो दो लोगों में हो। दूसरी जो इसकी मैं है कि जो माँ बाप हैं वो हम उनको सबसे ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने रिश्तों में, कि ये तो माँ बाप हैं, ये हैं, ये समझ जाएंगे। तीसरा जो लाफ्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर कोई प्ले एंटरटेन नहीं करता है, क्योंकि लोग दुखी होने नहीं आते हैं थिएटर में, लोग हंसने आते हैं, खुश होने आते हैं। कोई बात, कोई आदमी हंस के खुश होता है, कोई रो के खुश होता है, मतलब रो के उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई डर के हॉरर फिल्म देख के। अब अदर मैसेज इन द प्ले इज दैट वही कि याद करने पर बीता हुआ सुख भी देता है, तो कभी कभी पलटे हुए दिनों को देख लेना चाहिए। हम भूल जाते हैं, हम फेसबुक पर तो हमारे 500 फ्रेंड हैं, लेकिन आम जिंदगी हमारे 3 फ्रेंड भी नहीं है। मैंने जो मोहब्बत आपकी और मरहूम मुइन अख्तर की देखी दुबई में जी, वो आपके साथ हर जी, करते जी 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 बिल्कुल अभी तक याद है जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अभी हमारे जो फरज आपके गुलाम अली साहब जो हैं, राहत फतेह अली साहब, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनको मैं बहुत पसंद हूँ और मुझे भी वो बहुत पसंद हैं। मैं अपना ये नाटक ले जाना चाहता हूँ पाकिस्तान में भी, वहाँ पर भी दिखाना चाहता हूँ 2-3 बार ऐसा जी। हमेशा बहुत मोहब्बत मिलती है। मैंने तो बल्कि पेशावर पर जब वो बच्चों का वो हुआ था मैसेकर, तो मैंने ओपन लेटर लिखा था, पता नहीं यहाँ तक पहुँचा कि नहीं, उसकी बहुत बात हुई थी जी जी। सो आई थिंक देर आर सो मेनी मैसेजेस, एंड ऑल्सो थिएटर इज़ वन प्लेस एनी वेयर इन द वर्ल्ड where people sit and there are no caste, creeds, rich man, poor man, they are just people to admire you and also to criticize you, if there is. Yes, sir. मेरा आपसे सवाल है कि आपने अपने जीवन का जो शुरुआत की थी वो थिएटर जी 451 आपने बताया कि शायद मूवी का आपने 491 जब आप बने थिएटर के लिए, तो क्या आप अपने आप को डिफरेंट कर सकते हैं फ्रॉम देयर टू देयर? कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, या थिएटर में इतना पैसा नहीं है कि जो फिल्मों के अंदर है, तो व्हाट इज द रीजन यू डूइंग मोर फिल्म्स देन थिएटर? नहीं, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फिल्म एक्टर। अगर मैं सिर्फ थिएटर एक्टर होता तो मैं यहाँ स्टेज पर बैठा ही नहीं होता। और I love acting. I like the जब हम छोटे थे तो हम दिलीप कुमार साहब को देखते थे, या राजेंद्र कुमार को देखते थे, या देवानंद साहब को देखते थे। इनको देख के मुझे एक्टर बनने का शौक था। बट मैंने थिएटर को क्या दिया है इन 30 सालों में? मैंने सिर्फ 3 प्लेस किए हैं, बट आई हैव ब्रॉट द ऑडियंसिस ऑन ए लॉन्गर स्केल। आज मैं प्ले करता हूँ तो बिकॉज आई एम ए फिल्म एक्टर, ऑडियंसिस बहुत आती हैं, बट वो डिपेंड करता है कि प्ले अच्छा हो। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स प्ले लेकर आते हैं जिनका नाम होता है लेकिन प्ले बहुत ख़राब होते हैं। सो सर्टनली अब माँ बाप ने हमको सब कुछ दिया होता है, लेकिन हम घर छोड़कर तो निकल जाते हैं ना। तो थिएटर ने मुझे सब कुछ दिया है, बट आई लव्ड बीइंग पार्ट ऑफ फिल्म्स। आई रीच मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द प्लेस। अभी मैं
फ्लाइट में आ रहा था तो एक अंग्रेज़ मेरे साथ बैठा था, बार बार मुझे देखे जा रहा था। वैसे यहाँ कोई अंग्रेज़ को आप देखो तो वो बोलते हैं कि वाई आर यू स्टेयरिंग, बोलते हैं ना कि नहीं, वाई यू स्टेयरिंग। तो मेरा बड़ा दिल किया उसको बोलने का कि वाई आर यू स्टेयरिंग, तो कहता नो आई हैव सीन यू समवेयर। सो आई सेड डू यू सी बॉलीवुड मूवीज, नो आई हैव नॉट सीन एनी। तो फिर उसने कहा कि मैंने आपकी बूडी एलन की फिल्म में आपने काम किया था। तो मैंने कहा तो सिनेमा ने मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय रिकग्निशन दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। पर मैं आपको इससे मुझे किस्सा याद आया, जब मैं पहली बार अमेरिका आया था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मीना जी, तो मैं एले की बात है, तो हम हाईवे वाले किसी होटल पर ठहरे थे हॉलीडे इन। तो मैंने जितेंद्र जी से पूछा कि सर मुझे ये सामने जो मॉल नज़र आ रहा है ना, ये हाईवे क्रॉस करने के बाद यहाँ जाना है, तो कहता बड़ा लंबा चक्कर काट के जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं मैं क्रॉस करके चला जाऊँगा। कहता नहीं नहीं मत जाना तू क्रॉस करके, एक काम करता हूँ मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूँ तेरे को छोड़ दे। तो फिर मैंने कहा पर मुझे पता कैसे लगेगा कि होटल इस तरह है। कहता मेन गेट देख लेना और होटल देख लेना। अच्छा मुझे नहीं पता था कि उन दिनों मॉल, ये 25 साल पहले की बात है, कि मॉल इतने बड़े हमारे इंडिया में तो मॉल होते नहीं थे, अब आए मॉल। तो मैंने देखा ये मेरा होटल का, ये होटल है और ये इसका गेट है, ये गेट है, ये होटल है। चलो जी, मैं 4-5 घंटे शॉपिंग करता रहा, 3-4 बैग मेरे पास थे। जब मैं बाहर निकला तो होटल की नज़र ही नहीं आ रहा, मैं पता नहीं कौन से दूसरे गेट से निकल गया था, दूर दूर तक होटल ही नहीं नज़र आ रहा। और मैंने कहा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो एक आदमी, अंग्रेज़ आदमी या अमेरिकन, मैंने उसको ये देखने के लिए उसको देख रहा था कि मैं इससे पूछूँ या नहीं पूछूँ, पूछूं कि सर मैं हॉलीडे जाना चाहता हूं। तो इतने में उसने कह दिया व्हाई आर यू स्टेयरिंग। तो मैं एक्टर हूं ना, मैंने पता क्या किया, सॉरी वो इतना बुरा लगा उसको, वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के हॉलीडे छोड़ दिया। तो ये आम जिंदगी में मैंने फायदा उठाया एक्टर बनने का। या बिकॉज़ ही आस्क्ड मी वेरी रूडली, आई वाज टेकन अबैक कि देख ही तो रहा हूँ और मतलब मैं कोई खा थोड़ा रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि मारे ना मेरे को, यहाँ बहुत सुना था कि यहाँ पर बैग उठा के ले जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा चलो इसके मन में एक ऐसा, यस मैम सर पानी मिल सकता है, सॉरी। हाँ जी, आप इतने साल से प्ले कर रहे हैं, जैसे पहले कुछ भी हो सकता है और अब मेरा वो मतलब नहीं था, डू यू थिंक द अटेंशन स्पैन ऑफ द ऑडियंस हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स बाय योर एक्टिंग, एंड क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन में कुछ अलग कुछ करते हैं? A very good question, I must say. Yes, attention span has changed. People are today impatient. हमारे यहाँ हिंदी में पहले 3.5 घंटे की फिल्म बनती थी, फिर 3 घंटे की, अब 2.5 घंटे की, अब 1.5 घंटे की फिल्में बनने लगी हैं। आपका अटेंशन स्पैन माँ बाप से बात करने में भी कमी है। ओके, आई अंडरस्टूड। ओके, हमारा जो एक ज़माने में मुझे 500 से 600 फ़ोन नंबर याद होते थे, अब मोबाइल के आने के बाद मुझे 3 से ज़्यादा 4 नंबर याद ही नहीं है, बिकॉज सब कुछ वहाँ पर है। हमने हर चीज़ का तो शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, LOL, मतलब कुछ भी कर लीजिए उसके छोटे फॉर्म हैं। बट द जॉयज, इसके बावजूद भी इफ़ यू कैन मेंटेन द सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस फॉर 2 hours एंड डोंट टेक ए शॉर्टकट, दैट इज़ आर विक्ट्री। And that's what this play does, and that's what kuch bhi ho sakta has done. So when you are putting, it's like, I always give this example that we may like all the burgers and things like that, but we always also thankfully strive and die to have my mother's cooking. Kal mujhe 3 din ho gaye the Hindustani khana khaye hue, kyunki main Bombay se travel kiya, Bombay se main gaya Vancouver mein unhone koi Italian khana khilaya, सुबह शाम को मुझे उन्होंने कुछ फ्यूजन अंग्रेज़ी खाना खिलाया, दोपहर को कुछ यूनाइटेड एयरलाइंस का कोई खाना मिला, भगवान की दया से उसको, भगवान उनको शांति दे।
शाम को जब मैं इसके घर पहुंचा और इनकी वाइफ अमृत जी ने जो मुझे वो दाल और कड़ी और सरसों का साग खिलाया तो मैं बहुत तृप्त हुआ। अटेंशन स्पैन तो बिल्कुल कम है, आज डाइनिंग टेबल पे चार लोग बैठते हैं, मतलब इनके घर पे नहीं, चारों के पास फोन होते हैं, मुझे तो कभी कभी लगता है फोन ना मुंह में डाल लें। सो बट द रियल टेस्ट ऑफ एन एक्टर इज दैट इन स्पाइट ऑफ द चेंजिंग टाइम्स स्टोरी टेलिंग इज ऑलवेज होल्डिंग। यू हैव टू टेल द स्टोरी एंड इट हैज टू हैव द होल्डिंग पावर। हमारे एक्टिंग में एक टर्म यूज की जाती है प्रेग्नेंट पॉज, पॉज मीन्स वक्फा, तो उस एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं प्रेग्नेंट पॉज। प्रेग्नेंट पॉज मतलब ये होता है कि एक लंबा पॉज लो मगर वो इतना मीनिंगफुल हो कि वो प्रेग्नेंट लगे कि अभी कुछ इसके बाद बोलने वाले हैं। जैसे आज शाम को क्या कर रही हो। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने नए सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, ऑल्सो वी हैव बिकम अ पीपल हु आर वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल विद देमसेल्व्स। वी वॉन्ट टू बी समबडी एल्स इन आर लाइव्स। जो हम अपने आप हैं उस बात से हम खुश नहीं हैं, हम कुछ और बनना चाहते हैं। और मेरा कहना यह है कि पीपल हु प्रिटेंड डोंट लाइक देमसेल्व्स, आई लाइक माई सेल्फ। सो आई थिंक आई डू नॉट कट शॉर्ट। एक ही बार हुआ था वॉशिंगटन में हमारे साथ, वो प्ले कर रहे थे वॉशिंगटन में, जिनको शो दिया था वो भी, चलो प्ले का नाम कुछ भी हो सकता था, तो उनको टाइम दिया था कि 6:30 से लेकर 9:30 तक हॉल बुक है आपका, तो उन्होंने टिकट पे लिख दिया 8:00 का टाइम मैडम ने। और यहाँ तो आपको पता ही है रूल्स के कितने मतलब मोहताज हैं, तो हमने 8:00 प्ले शुरू कर दिया, तो राजेंद्र दौड़े दौड़े पीछे आए क्योंकि इनको ऑर्गेनाइजर ने बताया कि 9:30 प्ले ख़त्म करना है, और 8:00 अगर शुरू हुआ है प्ले तो कम से कम 10:30 शुरू ख़त्म होगा। तो मेरा डायरेक्टर नहीं आया था साथ में, कहते अब क्या करें 1.5 घंटे में, 2 घंटे का 2.5 घंटे का प्ले, 1.5 घंटे, तो कहते काटते चले जाओ। तो प्ले करते जा रहा हूँ और मैं काटते जा रहा हूँ मन में, और तब भी बड़ी मुश्किल से इंटरवल तक पहुँचे। तो वाइल वी आर डूइंग द प्ले दो सिक्योरिटी ऑफिसर स्टेज पे आ गए, प्ले चल रहा है लोग ऑडियंस देख रही है, सॉरी योर टाइम इज अप। तो हमने कहा कि कुछ भी हो सकता है सर, ठीक है तो बंद कर देते हैं प्ले, मगर अदरवाइज आई थिंक द लॉन्गर द शॉर्टकट इन लाइफ विल गिव यू सक्सेस विच इज इक्वल टू द शॉर्टकट। फॉर लॉन्गर टाइम ऑफ सक्सेस यू नीड टू टेक द पाथ which is of the truth, which is of hardships, which is of so many things. Yes. Oh yeah, yeah, but it's very. And I'm Seema Govind with Cosmos City Media, it's a media company online on YouTube also. So I want to ask you on your international work. You started with Bend It Like Beckham in 2002. Yes. मैं सुन रहा हूँ, सॉरी। आई हैड नेवर थॉट दैट आई विल बी एवर डूइंग इंग्लिश लैंग्वेज थिंग्स। आई कम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल जी, मैंने ABCD 5th standard में सीखा है सीरियसली, और मेरे स्कूल का नाम था DAV हायर सेकेंडरी स्कूल, बोलने में भी शर्म आती थी। और हमारे जो स्कूल था शिमला में, हमारे स्कूल के आसपास 4-5 कॉन्वेंट गर्ल्स के स्कूल थे, और हमको बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था कि ये कॉन्वेंट की लड़कियां हिंदी मीडियम स्कूल वालों को देखती नहीं हैं, ये सच्चाई है, उनको लगते हैं कि ये देसी बंदे, इनको अंग्रेज़ी आती नहीं, बात नहीं करते। मैं बड़ी कोशिश करता था कि मेरी तरफ थोड़ा अटेंशन जाए उनका। तो इवन व्हेन आई गेव ऑडिशन फॉर रिचर्ड एटनबरास गांधी,
I did not get Nehru's role because my English was not right. मैं फिर जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे बॉम्बे में पता लगा कि मतलब ऐसा महसूस हुआ कि यार यहाँ अगर अंग्रेज़ी नहीं आती है बोलने तो लोग सीरियसली लेंगे नहीं. तो मैंने अपने चाचा जी मेरे जो हमारे ख़ानदान में पढ़े लिखे थे द ओनली पर्सन हु हैड डन एमए ही सेड दैट द ओनली वे टू लर्न ए लैंग्वेज इज बाय स्पीकिंग. आप इनको बिठाओ ना मैडम, आई एम शी स्टैंडिंग मैम, आप बैठ जाओ, आप थक जाओ. अच्छा हाँ, कम एंड सिट हियर ना, कम एंड जॉइन अस. सो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ना एक टाइम फिक्स कर लो दिन में जिसमें तुम सिर्फ अंग्रेजी में बात करोगे. तो मैंने टाइम फिक्स कर लिया कि मैं 4 से लेकर 6 बजे तक चाहे कुछ भी हो जाए अंग्रेजी में ही बात करूंगा. तो 4 से लेकर 6 बजे तक मेरे सारे दोस्त भाग जाते थे मेरे पास, आ गया अंग्रेजी बोलेगा, क्योंकि मैं अंग्रेजी छोड़ता ही नहीं था. चाहे मैं किसी भिखारी से बात कर रहा होता था, चाहे मैं किसी जज से बात कर रहा होता था, आई नो आई वर्क व्हाट आर यू ट्राइंग टू थिंक अबाउट. मैं लिख तो लेता था, पढ़ भी लेता था, मगर बोलनी नहीं आती थी. लैंग्वेज बोलने से आती है. उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया, इनफैक्ट दैट बिकेम ए सो व्हेन आई वाज ऑफर्ड बिकॉज आई थिंक इन हिंदी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है. व्हेन आई वाज ऑफर्ड गुरिंदर चड्ढा बेंडेड लाइक बेकम तो मेरे को डायलॉग याद नहीं होते थे क्योंकि करेक्ट डायलॉग बोलने होते थे. आप हिंदी में मुझे कोई भी डायलॉग दे दो मैं बिल्कुल करेक्ट याद कर लूँगा बिकॉज आई थिंक इन हिंदी. कि अंग्रेजी में जो डायलॉग लिखा है बट वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर यू डिसाइडेड टू डू दैट, सपोज ये डायलॉग. अब मैं फंबल कर जाऊँ कि वाई डिड यू डू दैट, इसका हिंदी मतलब जो मैंने तुमसे कहा था तुमने वो क्यों नहीं किया. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बट so I practiced it, so I loved doing bended like Beckham and it became a very big hit. When I then after that did ER, I did Mistress of Spices, I did Bride and Prejudice, American film, the first was this Silver Linings Playbook. तो उसमें भी मुझे परेशानी थी because बहुत बोलना था और I was playing a psychiatrist, तो psychiatrist की तो language भी बिल्कुल perfect थी. तो मैंने घर बैठ के होटल में मतलब फिलाडेल्फिया में 5 दिन अपने आप को होटल के कमरे में बंद कर दिया था. एंड आई रिहर्स्ड 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 सो मच दैट देयर वाज नो वे दैट आई वाज गोइंग टू गो रॉन्ग. मतलब मैं इस डायलॉग पे इधर देखूंगा, उस डायलॉग पे उधर देखूंगा, फिर मैं ये बोलूँगा. तो जब मैंने पहली रिहर्सल की ब्रैडली कूपर के साथ तो मुझे वो डायरेक्टर डेविड रसल आके बोलता है, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में रॉबर्ट डिनीरो था कि रॉबर्ट डिनीरो अगर ये रोल करता तो कैसे करता. तो बिल्कुल वैसे ही मैंने वर्कआउट किया था, कुछ ऐसे बात करते. तो मेरे को आगे था डूड आई ऑलरेडी हैव ए रॉबर्ट डिनीरो, जस्ट लुक इनटू हिज आईज एंड से द डायलॉग्स. बट इट वॉज माई वन ऑफ माई मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंसिस बिकॉज टू बी एबल टू वर्क विद योर आइडल मिस्टर डिनीरो एंड अ ग्रेट टीम, आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक. देन आई डिड recently Netflix, which was with Wachowskis. I think it's fantastic, it's doing very well, it's called Sense8. But I must tell you that 2 of very important international projects I had to let go because of this tour of mine. I had committed to this and they were both from very good directors and with very good actors. पर मेरा दिल भी नहीं था कि मैं राकेश अपना इनको बोलूं अपने रजिंदर जी को कि, क्योंकि मैं ये प्ले में आना चाहता था. उनकी डेट्स जो थी यही सितंबर अगस्त की थी तो मुझे मना करना पड़ा. तो समटाइम्स टू गेट समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, बट आई डाउट दैट आई थिंक आई गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी. आई गॉट रिकग्निशन फॉर वॉट एवर स्मॉल वर्क आई हैव डन इन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म. Though I felt that Woody Allen's film, I wish I had a little extra scenes, 2-3 scenes, so I would have been happy. But even in Ang Lee's film, a Chinese film that I did, called Lust Caution, I had a great time working with these people. In logon ke saath to main, meri fees pata kya thi Woody Allen ki film mein kaam karne ki? Ki he should spend half an hour with me. To jab maine mere manager ne Woody Allen ki production team ko bataya, Mr. Kher does not want to charge. Maine kaha kitna denge?
छोटे बजट की फिल्म है, इतना देंगे मैं क्या कर लूँगा। बट वुडी एलन से मैं अगर आधा घंटा बैठा रहूँ तो मेरे लिए वो उससे बड़ी बात क्या है। सो उसको भी लगा कि ये थोड़ा पागल है, कि ये सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो बातें बोल लूँगा। ऑल्सो आई थिंक ही वॉज इंट्रीग्ड टू मीट मी। तो जब हम बैठे, सिर्फ वो इधर बैठे हैं, वो चाय पी रहे हैं, मैं भी चाय पी रहा हूँ, मैं उनको ही देख ही जा रहा हूँ, इतना कमाल का आदमी है, क्या डायरेक्टर है। तो उसको लगा मैं थोड़ी को एक दो बातें बोलनी चाहिए मुझे। ही सेड आई बिलीव यू हैव डन लॉट ऑफ मूवीज। सो आई सेड यस। ही सेड हाउ मेनी? आई सेड 400। तो काफ़ी देर सोचा रहा, कहता इन हाउ मेनी लाइव्स। सो आई थिंक सम वी ऑल हैव आर आइडल्स इन लाइफ। Sometimes you do the film, just if Clint Eastwood asked me to do a film, I will just do and be very happy to play a pehredar. I don't take myself so seriously. And I don't take the work that I do so seriously. I enjoy life. For me, journey is much more important than destination. So the fact that I'm spending time with you is much more important than anything else. So many times things do change. Yes, please. Yes, sir. I think it's like if the car is good, the first time you drive you enjoy it, but if you drive it the 20th time you are so used to it that you can maneuver it very well. The car remains the same, you know that you can move your hand and you can do this. So I think we have a very good vehicle as a play, but by the time we'll come here we will be aur ravangi aayegi aur acha aayega. Wo actors ki comfort level se play acha hota hai. जैसे जैसे कुकिंग का होता है कि आप पहला दिन बना, जितनी बार की कुकिंग करेंगे उतना आपको अंदाजा हो जाता है। सो यस इट इज इन्वॉल्व्ड, इफ इट डिड नॉट इवॉल्व इट वुड हैव बीन नो फन। ये तो आ ही नहीं रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिल्कुल नहीं जा रहा था, तो मैंने खैर साहब, मैं कोशिश कर रहा था खैर साहब अगर नहीं आओ तो क्या, तो खैर साहब भी जैसे बोलते हैं कि प्ले ये कल को अगर अभी इनको किसी और का प्ले लेके आना हो तो शायद देख कर आए। मेरा प्ले तो होपफुली, क्योंकि दोस्त तो मेरे यहाँ हमेशा रहेंगे, पर अगर मैंने बुरा प्ले लेकर यहाँ आया तो अगली बार बुलाएंगे नहीं। खाने पे तो आ जाऊंगा मैं। ये है। यस। जी व्हाट मोटिवेट्स यू, बिकॉज़ द बुक इज अबाउट मोटिवेशन, व्हाट इंस्पायर्स यू? लाइफ एंड पीपल, पीपल इंस्पायर मी, बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी टू टेल। पीपल सिटिंग हियर 50-60, एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी। आपकी स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग होगी, बहुत आपकी लग रहा है, आपके अंदाज से ऐसा लग रहा है कि क्या क्या आपने की देखा है जिंदगी में, है कि नहीं? मेरा वो मतलब था ही नहीं। पर मेरा वही मतलब था। पर मेरा वो मतलब नहीं था। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो मेरा वो मतलब नहीं था। राजेंद्र हमेशा कहते हैं कि नहीं, करेक्ट है, मेरा वो मतलब। आपके पास आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। तेज नहीं चलता है, स्लो चलता है। नहीं नहीं, तेज चलता है, इसलिए आज डिसाइड हो ही जाए। क्या प्ले का नाम है? मेरा वो मतलब नहीं। आप कैजुअल होने की कोशिश मत करिए, आप एक दो साल के बच्चे की तरह बोलिए। क्या नाम है प्ले का? जो मेरा मतलब नहीं। नहीं, आप एक्टिंग कर रहे हैं।
I think people inspire me. Everybody has a story. आपको मैं बहुत साल बाद पहले मिला था. You are still the same. Thank you. With the same enthusiasm, thank you. Same still joy, same compassion towards work. So which is fantastic. इनको मुझे याद रहा. मैं देखिए इनको इतने साल बाद याद था. That's I remember people and people inspire me. Life inspires me. मैं बाकियों को जवाब दे रहा हूँ. So I think it's very important to get inspired by people. And he forgot to give his name, Mr. Nayyar. लगा था. इनको जान लग रहा होगा कि ह्यूस्टन का बच्चा बच्चा मुझे जानता है. नाम लेने की क्या जरूरत है. मजेदार दिलचस्प आदमी है. कोशिश प्ले का नाम क्या है? मेरा मोहम्मद खान. करेक्ट. हो गया. Anybody else? And then another. Yes, ma'am. My name is Rabia. It's an honor to be here. I have two questions, one from the show and one for you. The show, the original choice for the actress was your wife, you know, and after a lot of consideration, you guys chose Meera Gupta. How well did she replace Kiran? They are two different people. I think Kiran would have approached it in a different manner, but the play written is so well that it would have been the similar kind of result. But Neena has her own distinct style of. I have never worked with Neena Gupta in my life. Not even in just one film I had done with her long time back. I played a Sardar in that film. I remember that. But even Kiran agreed on, we came up with a lot of names. So final Kiran said that, oh yes, I cannot do the play because she has to attend Chandigarh and Parliament and she has this, India's Got Talent. And I said, my tour is, I don't have to do the play. I haven't done film in a year, I decided I will only do this play. So she said, I think Neena will be very good. You see, we wanted to have two people, even though in their ओल्डर एज, बट ऐसा लगना चाहिए था कि इनका इश्क शुरू हो सकता है. तो आपको ये लगता है कि एज देखने के बाद बहुत सारे लोग अपना पहला प्यार ढूंढने निकल जाएंगे? उनको एक फेसबुक पे उनको ढूंढने को जरूर जाएंगे. फैक्ट इन वन ऑफ द शोज टू पीपल हु आर सिटिंग टुगेदर with various, with their own, because you see, over a period of time, husband and wife understand that what was in college was not anymore. So it's not that there is an element of jealousy or something like that. But yes, it does bring those memories back. Thank you. And my second question is that you just said there are people who are not happy with themselves and they pretend to be somebody else. And you are very happy with being an open. No. I am very happy with who I am. Who you are. But what if you have given a choice to relive your life and you can't be an Anupam Kher, but you have to relive your life with a character that you have played in one of those 491 films. Which one you choose and why? First of all, though, if I was to relive my life, I will not change a split second also of it. Because I am a sum total of the way I have lived my life. As far as which character will I choose, you can ask me this question after 30 years. Maybe then I will start thinking about it. Abhi to interval hua hai meri life ka. Good evening, Anupam ji. Yes, sir. Ajit Nirvana, the great Houston Telugu community, I invite Anupam ji to Houston to perform here for MERA MATLAB Nahita. I'm a great fan of yours. Of my all-time favorite movies is Daddy. Yes. And DC produced film with Pooja Bhatt. Yes. I still remember that song sung by Talat Aziz. Aina Mucheneri Peri Surat Mangi. That's all-time favorite of my favorite. Mine also. I love that song. Yeah. And I've seen a lot of your movies. Just wondering, kab milega Telugu film industry ko na just
to see one of your films in our own Telugu industry. We have had likes of Paresh Rawal, some very good actors from Bollywood to act and perform in Telugu. So when did you see? There was a time when we used to do a lot of films down south in Telugu. I did only one Telugu film. I don't know if you saw Trimurdilu, which was a remake of Naseeb. After that, I don't know, something went wrong. Nobody offered me any other film. But I did a fantastic Malayalam film. I don't know if anybody from Kerala is here. Called Pranayam. I'm the only actor who has done all languages films in India. Tamil, Telugu, Bengali, Marathi, all. But I will be very happy if I get an opportunity to do a Telugu film. Love to see you again. And also, second question, do you have any plans to open an acting school here in the United States? You have hundreds and thousands of fans in Hollywood and in Bollywood, with thousands of Indians now living in the US. I would love to. In fact, I had a meeting with the TV Asia people, but it did not materialize. I don't have the infrastructure. When we open a school outside Bombay, Mr. Shah never got back to me after that. So once again, I'll approach him because he has an infrastructure. But I'm happy with my school in Bombay because people from all over the world are coming there. Thank you, sir. Thank you. Anupam ji, and thank you Rajinder ji for bringing me here to Houston. So my name is Raj, I'm actually from Bombay. So I just want to ask, like, over the years theater has evolved and people are more accepting, like want to go to watch theater. And like even in Bombay I see ki once a month, like hum friend log sabko jana hai theater, like a lot of plays you want to see and people are more accepting. So how can we like evolve in like smaller cities, like become like more like a movie industry, people want to go like more theater, and it's like more like you choose theater over movies and people want to act more in theater. How can we do that over the year? I think unfortunately theater does not pay. You can't make money and living by theater. And rightfully people want to do television, vast exposure. My show, aapne pata nahi yahan aata hai ki nahi, colors pe Anupam Kher show kuch bhi ho sakta hai. I enjoy doing that. Theater will not die because it is the seed of acting. But if I always believe, if you want to do something, if you want to achieve anything in life, you just have to work hard and be honest. That's it. No power can stop you. Anybody else? Amrit, you want to ask any question? Aaj kya banaya? Sir, boliye. Yeah. I'm Amir Ali from Pakistan Post Newspaper. Mera ek sawal ye tha ki aapka zindagi mein kya goal tha? Aur wo goal 30 years mein kitna achieve kiya? Aur agar wo goal achieve kar lete hain to uske baad aap kya aapke zehen mein hai? Zindagi ka mazedar pehlu kya hai ki har साल बाद गोल बदलते रहते हैं. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, गोल बदलते रहते हैं. जब मैं शिमला में था तो मैं चाहता था कि मैं चंडीगढ़ चला जाऊं. जब मैं चंडीगढ़ में चला गया तो मुझे लगा मैं दिल्ली चला जाऊं. दिल्ली से पहुंचा तो मैंने लगा बम्बई में मुझे कोई फिल्म में काम मिल जाए. बम्बई में मैंने कभी कभी तो कुछ ऐसी चीज़ें होती जो सोची नहीं थी. मैंने कभी सोचा नहीं था ख्वाब में भी कि मैं रॉबर्ट डिनीरो के साथ काम करूंगा. वो भी हो गया. और मेरे दादा एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि एवरी ड्रीम्स कम ट्रू, ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड. तो एक मैं ज़िंदगी को नाप तोल के नहीं चलता हूँ. मुझे लगता है कि मेरी गलतियाँ, मेरे फेलियर्स उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने मेरी सक्सेसेस हैं. और गोल रखूंगा तो मैं फिर जीऊंगा कैसे? जीना जो है ना उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है. गोल है अपनी जगह कि हाँ मैं ये प्ले सक्सेसफुल होना चाहिए, राजेंद्र जी के पैसे वापस आ जाने चाहिए जितने लगा रहे हैं, हमको भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाने चाहिए, ये गोल है. बट व्हेन आई लीव दिस सिटी आफ्टर द फर्स्ट टू मंथ्स आई शुड स्टे इन योर हार्ट्स फॉर
for the next 10 years. That is my goal. Sorry? नहीं आप जितने आप डिफरेंट डिफरेंट गोल हो सकते हैं आप 50,000 चीज़ें कर सकते हैं मैं तो 50,000 चीज़ें करता हूँ मैं किताब भी लिखी है मैंने मैं थिएटर भी करता हूँ मैं सिनेमा भी करता हूँ मेरे दादाजी एक बार इनको वापस दे दो माइक कुछ छीन लेंगे आपके हाथ से नहीं माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से अ बिजी मैन हैज़ टाइम फॉर एवरीथिंग इट्स ओनली अ मैन जिसके पास टाइम नहीं है एंड ऑल्सो बिकॉज आई डोंट टेक माई सेल्फ सो सीरियसली सो लाइफ इज ईजी आप बता दो ना आपको क्या बोलना मैं वो ही बोल देता हूँ मेरा वो मतलब नहीं था सर मुझसे कोई पूछता है ना कि आपके जाने के बाद कैसे याद रहना चाहेंगे लोग आपको कैसे याद मैं कहूँगा मेरे चला गया मेरे पीछे याद ना रखें क्या फर्क पड़ रहा है आई डोंट थिंक जाने से पहले सब गोल मैं सब पूरे कर देता हूँ आगे क्या करूँगा मैं आपका ईमेल ले लूँगा कि आज ये गोल पूरा हो गया आज ये गोल पूरा हो गया आज ये गोल पूरा हो गया जी जी मेरा नाम है जी सर मेरा सवाल ये है कि आपने बताया नेहा गुप्ता के दो रोल है हाँ एक मुस्लिम खातून है और एक जी और एक इंडियन जी जी तो वो कैसे क्या मिले वो थिएटर का एक हमने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया बोलना नहीं चाहिए मुझे बिकॉज वो सस्पेंस चला जाएगा कि हम दो एक्ट्रेसेस इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे एक ही एक्टर दोनों रोल करती है वो एक हिंदू लड़के की शादी एक हिंदू मुस्लिम लड़की से होती है दैट्स द कहानी तो जब वो फ्लैशबैक में हम उसकी कहानी सुनाते हैं तो नीना प्लेज एमएलए असलम खान्स डॉटर निगार प्ले करती हैं और बहुत अच्छा किया उन्होंने बहुत अच्छा वो लहजा भी बड़ा अच्छा पकड़ा है और बहुत खूबसूरत बहुत याद रहती है वो प्ले में प्ले के अंत में बहुत याद रहती है और बहुत अच्छा किरदार किया उन्होंने तो हमारे सब लोगों को पसंद आएगा भूख लगी है सबको है ना है ना कुछ है इधर खाने वाले सो बेसिकली प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड दैट वी आर कमिंग हेयर माई ट्विटर हैंडल इज़ अनुपम पी खेर एट पी खेर सो मुझे लिखिए और अपने लोगों को लिखिए आप जितने भी पत्रकार लोग यहाँ हैं जर्नलिस्ट आए हैं बताइए सबको एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दिट वॉज थ्रेटनिंग यू सी न्यूज़ रीडर्स का तो यही काम है आजकल हिंदुस्तान में जो न्यूज़ रीडर पागल हो जाते हैं कि अब ये निकल चुके हैं ये पहाड़ वो जानबूझ के उस पेड़ के नीचे खड़ा होता है जो ज़्यादा हिल रहा होता है ये देखिए ये पेड़ जैसे कैसे हिल रहा है और कभी भी गिर सकता है और ये बिजली आ सकती है और बिजली और पीछे पटाखे भी चला देते हैं ये चल के यहाँ पर है सो इसके बावजूद आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने मुझसे बात की मुझे बहुत अच्छा लगा और वी विल शो यू समथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम श्योर यू विल बी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ अस थैंक यू God bless you. Thank you, and thanks to each and every one of you for being here. Now, of course, you are leaving with an excellent feel of the actor himself. Our agle dasal tashwe ne jese nahi kar sakte. So just. मेरा वो मतलब नहीं था जिदे बार आप गल की थोड़ी देर पहला बहुत अच्छा प्ले है मेरा तीजा प्ले है इन 30 साल
ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਪਲੇ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪਲੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਵੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਤੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਨੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਜਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕੀਤੇ, ਫਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਟੂਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 20-25 ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਲੇ ਵੇਖਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਤਾਉਣ। ਪਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਫਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਲੇ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੇ ਓਵਰਆਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।